नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ लीमा और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है हमारी साथी पूजा सिंह। तो पूजा, अक्सर लोगों को अपनी राशिफल और अपने भविष्य को देखने में काफी इंटरेस्ट रहता है, तो क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं? हाँ जी लीमा, बिल्कुल, मुझे भी अपना राशि को देखने के लिए काफी इंटरेस्ट रहता है, लेकिन मुझे हमेशा ही कंफ्यूजन रहती है कि मुझे अपना राशि किस वे से देखना है। तो पूजा, आपकी और हमारे दर्शकों की इस जिज्ञासा या कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं तृप्त शास्त्री जी, जो कि जम्मू के सुकराला माता मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। तृप्त शास्त्री जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शास्त्री जी, मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स और जैसे कि पूजा ने ये सवाल पूछा कि यूजुअली लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि राशि को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, जन्म तिथि के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों की ये कन्फ्यूजन को दूर करें। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। गुरुर्देवम नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम करुणालयम, ज्ञान सागरम नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सदाशिव। दर्शकों, जब भी हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने भविष्य के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारा आज वाला दिन कैसा गुजरेगा और आने वाला जो समय है वो कैसा गुजरेगा। जैसे हम कोई भी न्यूज़पेपर देखते हैं तो उस पर राशियाँ देखते हैं, कुछ लोगों को जे नाम के हिसाब से राशि देखते हैं, कुछ लोग कुंडली के हिसाब से नाम राशि देखते हैं। जैसे अ अक्षर से कोई नाम शुरू होता है तो उसकी राशि बनती है मेष राशि, लेकिन कुंडली में अगर देखा जाए तो 12 घर होते हैं, जैसे 12 ही राशियाँ होती हैं। जिस घर में चंद्रमा बैठा हो वही राशि मानी जाती है। जैसे प्रथम भाव में पहले घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो वो मेष राशि मानी जाएगी, दूसरे घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो वृष राशि मानी जाएगी। इसी हिसाब से हमें राशि देखनी चाहिए और जो नाम रखा जाता है जिस राशि से, वो राशि जिस कुंडली में अगर चंद्रमा मेष राशि में बैठा है तो मेष राशि की मित्र राशि का ही नाम रखा जाता है। और हमें जो न्यूज़पेपर पे या टीवी पे या और भी इंटरनेट पे जैसे भी हमें कोई राशि देखनी है तो वो राशि हमें कुंडली के हिसाब से ही राशि देखनी पड़ती है। तो अगर आपको पता नहीं चलता तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण से, किसी शास्त्री से, विद्वान ज्योतिषी से आप कंफर्म कर सकते हो और उनको पूछ सकते हो कि मेरी कुंडली की राशि कौन सी बनती है और हमें उसी राशि के हिसाब से अपना भविष्य जो है वो देखना चाहिए। दर्शकों, शास्त्री जी हमें बताएंगे कि हमारी कुल कितनी राशियां हैं और उनका साप्ताहिक भविष्य क्या है। तो शास्त्री जी, आप हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दीजिए। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं बता दूँ 12 राशियाँ होती हैं, 12 ही लग्न होते हैं और उन राशियों में से सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह दूसरों पर कुछ खर्च ज़्यादा करने के लिए है, घरेलू जिंदगी में कुछ तनाव आ सकता है, आपका प्रिय को आपसे भरोसा और वादे की कल्पना दूर कर सकती है, आप दफ्तर में माहौल में बेहतरी और कामकाज के स्तर को महसूस कर सकते हैं, आपका शुभ अंक रहेगा 9 और आपको इस सप्ताह अच्छा बनाने के लिए सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा। लाल चंदन ढाल के तांबे के घड़वे में सूर्य को अर्घ दें और इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। हम बात करेंगे दूसरी राशि यानी वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह खुद और उत्साही बनाए रखने के लिए, अपनी कल्पनाओं के लिए कोई खूबसूरत और शानदार तस्वीर बनाए रखने के लिए बहुत ही शुभ है। इस सप्ताह में आपको विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपने प्रिय से भी घरेलू झगड़े करने पड़ सकते हैं, आपका ये सप्ताह बड़ी ही कठिनाइयों के साथ गुजरने वाला है, आपका भाग्य अंक रहेगा 8 और आप अगर चाहते हो ये सप्ताह अच्छा रहे तो भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक करें और इस मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का जप करें या फिर नमः शंभवाय च मयोभवाय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च इस मंत्र का जप करके भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक। बात करेंगे तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए खुशनुमा दिन के लिए मानसिक तनाव और झंझटों से बचें, प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के लिए मुताबिक नहीं रहेगा, कुछ दिनों से आपका व्यक्तिगत जीवन ही आपके ध्यान का केंद्र बना हुआ है, लेकिन आज आप सामाजिक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करेंगे, आपका भाग्य अंक रहेगा 6 और इस ये सप्ताह अच्छा बनाने के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान के मंदिर में लड्डुओं का भोग चढ़ाएं, ओम हनुमते नमो नमः इस मंत्र का जप करें। बात करेंगे चौथी राशि यानी कर्क राशि।
इस सप्ताह आप अपना खुद इलाज करने से बचें, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। होशियारी से निवेश करें, आज ना सिर्फ अजनबियों से बल्कि अपने दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत है। अपने साथी को भावात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बचें। आपका भाग्यंक रहेगा एक। पक्षियों इस जे सप्ताह अच्छा बनाने के लिए पक्षियों को सतराजा डालें, और लाइफ में उतार चढ़ाव अच्छे करने के लिए पक्षियों को सतराजा डालने से आपके लाइफ में उतार चढ़ाव ठीक हो जाए। तो दर्शकों, अभी आपने शास्त्री जी से चार राशियों के बारे में सुना, तो आगे की राशियों की जानकारी लेने से पहले मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि शास्त्री जी, अक्सर लोगों में ये डर बना रहता है कि राहु की दशा है, केतु की दशा है, तो इसके लिए क्या निवारण है और क्या सभी ग्रह नुकसान ही पहुंचाते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी ग्रह कभी नुकसान नहीं देता, चाहे सूरज हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो और केतु। देखिए, जो सूरज है वो शौर्य प्रदान करता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, मंगल मांगलिक कार्य करता है, बुध विद्या प्रदान करता है, बृहस्पति राजा बनाता है, शुक्र खूबसूरती देता है, शनि कारोबारी बनाता है, राहु बाजुओं में बल देता है और केतु कुल की उन्नति करता है। लेकिन नित्य इनकी पूजा करनी पड़ती है। जैसे हमें विषोत्तरी महादशा राहु की चल रही है, तो हमें राहु के रिलेटिव कोई ना कोई कार्य करते रहने चाहिए, जिससे ताकि ग्रह राहु जो ग्रह है वो खुश रहे। जैसे केतु की दशा चल रही है, तो केतु के रिलेटिव हमें कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। जैसे राहु अगर नीच है, नीच स्थान पर बैठा हुआ है, नीच है, तो उसके लिए हमें गोमेद डालना चाहिए। देखिए, अपने भजन के हिसाब से हमें नग डालना चाहिए गोमेद। केतु जैसे लहसुनी या कैटाई जिसको हम बोलते हैं, वो हमें डालना चाहिए। इसी हिसाब से कोई भी ग्रह कभी नुकसान नहीं देता। बात करते हैं पांचवी राशि यानी सिंह राशि। आप अपनी उम्मीदों की जुदाई दुनिया में है, जल्दबाजी में निवेश ना करें। अगर आप सभी मुमकिन कोनों में रहेंगे तो नुकसान हो सकता है। घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब के लिए ये सप्ताह अच्छा है। कोई अच्छी खबर या जीवन साथी प्रिय से मिला कोई संदेश आपके उत्साह को दोगुना कर सकता है। आपका भाग्य अंक रहेगा 8। अगर आप चाहते हो हमारा ये सप्ताह अच्छा रहे, तो चलते पानी में साबुत हवनी हल्दी प्रवाहित करें। इसके लिए आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपका आने वाला समय वो अच्छा रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए तली बुनी चीज़ों से दूर रहें और नियम व्यायाम करते रहें। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा। आपके घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले आपको सभी के राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। जे दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेगा। आपका भाग्यंक रहेगा 7। अगर आप चाहते हो कि हमारा सप्ताह अच्छा रहे, तो आपको गरीब कन्याओं को सुगंधित सफ़ेद मिठाई बांटने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका दिन शुभ। बात करते हैं सप्तमी राशि यानी तुला राशि। मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा आपको सुकून देगी। जेवर और एंटिक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होंगे। मुमकिन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय ना निकाल पाए, लेकिन यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। आपका भाग्यंक रहेगा 9। और अगर आप चाहते हो कि सप्ताह और अच्छा बने, तो इसके लिए आपको बंदरों की सेवा करें। दलाल मिठी वस्तु खिलाने से नौकरी बिजनेस में और सफलता मिल सकती है। बात करते हैं आठवीं राशि यानी वृष राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें। दिन चढ़ने पर भी वितरित तौर पर सुधार आएगा, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरण का अनुभव करें। यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रहेगा। आपका भाग्यंक रहेगा 2। अगर आप चाहते हो ये सप्ताह अच्छा रहे, तो इस सप्ताह में आप माता दुर्गा की पूजा करें और माता दुर्गा की प्रतिदिन जोत जगाएं और जोत में एक इलायची रखें और इलायची से माता दुर्गा की आरती।
तो दर्शकों, शास्त्री जी ने हमें 8 राशियों के बारे में बताया। भीमा, आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हाँ जी बिल्कुल पूछा। शास्त्री जी, मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसे कोई सरल मंत्र हैं जिनके जप से या जिनके उच्चारण से आने वाले संकटों को दूर किया जा सके? जैसे आप पूछ रहे हो कि मंत्र, देखिए हर ग्रह का हर मंत्र एक मंत्र, बीज मंत्र भी है। जैसे सूर्य का ओम राम ह्रीं ह्रूं स सूर्याय, इस मंत्र का आप जप करने से सूर्य को, सूर्य ग्रह की दशा अच्छी कर सकते हैं। चंद्रमा का ओम श्याम श्रीम श्रीम सा चंद्रमा से, ऐसे ही हर ग्रह का एक बीज मंत्र दिया गया है। तो आप अपनी विषोत्तरी दशा में देख सकते हो किस दशा चल रही है, उस दशा में आप उसी ग्रह के रिलेटिव मंत्र का जप करें, उसका हवन करें, तो इससे आपका जो आने वाला समय है वो आप अपना आने वाला समय अच्छा बना सकते हैं। अगर ग्रहों के मंत्र नहीं बोल सकते तो सबसे सरल मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 11 माला जप करें और भगवान गणेश के ऊपर ध्रुवें चढ़ाएं। ध्रुवें जो घास होती है, भगवान गणेश को बहुत प्रिय हैं और भगवान गणेश के ऊपर ध्रुवें चढ़ाएं। दर्शकों, बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेल कूद को शामिल किया जाना चाहिए। वह निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। ये सप्ताह अपने दोस्तों को उधार कभी ना दें। इस सप्ताह में वैवाहिक जीवन एवं खूबसूरत जीवन बदलाव से गुजरे, आपका भाग्यंक रहेगा 8। और अगर आप चाहते हो कि जिस पाप के लिए अच्छा रहे तो सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं और इससे आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह आप खाली समय का आनंद लेंगे। तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है। आज आप जहाँ भी जाएंगे लोगों के बीच आप सबसे ध्यान का केंद्र बने रहेंगे। मुमकिन है कि आज आपका जीवन साथी खूबसूरत शब्दों में यह बताए कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं। आपका भाग्यंक रहेगा 8। अगर आप चाहते हो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे तो आप भगवान विष्णु या दुर्गा जी के मंदिर में कांसे के बर्तन का दान करें, इससे आपका स्वस्थ बना रहेगा और आपका सप्ताह अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। ये सप्ताह बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं। भागीदारी वाले व्यवसायों और चलाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश ना करें। आपकी महत्वाकांक्षाओं को ऐसे बड़ों के साथ बांटें जो आपकी सहायता कर सकें। इस सप्ताह लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते हैं। जीवन साथी ये जता सकता है कि आप साथ रहने का क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। आपका भाग्यंक रहेगा 6। अगर आप चाहते हो कि आप जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे ताल्लुकात रखें, तो इसके लिए गौशाला में जाकर हरे घास की तुला करें, इससे आपका जीवन साथी के साथ प्रेम बना रहे। बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। ये सप्ताह आउटडोर खेल आपको आकर्षित करेंगे, ध्यान और योग आपको फायदा पहुंचाएंगे। ऐसा लगता है आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आज आप अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचें। ये सप्ताह में खर्चे बहुत होंगे। इस सप्ताह यात्रा मनोरंजन लोगों से मिलना जुलना होगा। उत्साह की वजह से वैवाहिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। आपका भाग्यंक रहेगा 3। अगर आप चाहते हो जिस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे तो पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का, सरसों के तेल का दिया जलाएं, इससे आपका सप्ताह अच्छा गुजरेगा। शास्त्री जी, आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ तृप्त शास्त्री जी, जिन्होंने हमें 12 राशियों के बारे में बताया। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक रही होगी। आपका दिन शुभ रहे। वक्त इंडिया के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।